नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। अगर किसी के बेटे की मौत हो जाए और कुछ सालों बाद उसे पता चले कि उसका बेटा जिंदा है तो कैसा लगेगा? और बिहार से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। बिहार के रोहतास में एक परिवार ने अपने बेटे को खो दिया था, जिसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन 1.5 साल बाद पता चला कि उनका बेटा जिंदा है। इसके बाद पुलिस उस आदमी को ढूंढ निकाला जिसका अंतिम संस्कार हो गया था। उसके साथ एक नाबालिग लड़की भी मिली है। बताया जा रहा है कि लड़की उसकी प्रेमिका है, जिसके परिवार वालों ने उसके किडनैप होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। सबसे आश्चर्य करने वाली बात तो ये है कि परिवार वालों को भी नहीं पता था कि उनका बेटा जिंदा है, और ये सब जानने के लिए हमें और आपको चलना पड़ेगा आज से 1.5 साल पीछे। घटना 2021 अक्टूबर की है, जब लड़की के घर वालों ने FIR दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा था कि रवि रंजन नाम के एक लड़के ने उनकी बेटी को किडनैप कर लिया है। इसके कुछ दिन बाद रवि के गांव में एक लाश मिली थी। रवि के पिता ने शव को पहचान लिया। शव को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। बता दें कि बसंत राम ने लड़की के पिता, चाचा समेत 7 लोगों के खिलाफ रवि की मौत का मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया और आगे की जांच पड़ताल चलती रही। वहीं जांच में पता चला कि रवि रंजन एक लड़की के साथ महाराष्ट्र के पुणे में रह रहा है। पुलिस दोनों को पकड़ने के लिए पुणे रवाना हो गई तो पता चला कि दोनों उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं। उसके बाद खबर मिली कि वह दोनों पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन पर पहुंचने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों ट्रेन से उतर के रेलवे लाइन के सहारे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। रवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं SI ललन सिंह ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड नंबर 13 निवासी बसंत राम के बेटे रवि रंजन एक लड़की के साथ फरार हो गया था और रवि से बयान दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो तब आई कि 2.5 साल पहले किसकी लाश जलाई गई थी, इसकी खबर अभी तक सामने नहीं आई है। इस खबर में इतना ही। आगे खबर देखने के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया।